गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्योमेट्री फिगर्स का पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने एंगल्स कोण के बारे में पढ़े थे। पार्ट टू में चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होती है? वह आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिनकी चारों भुजाएं आपस में कैसी हों, बराबर हों, तथा जिनके चारों कोण भी कितने कितने अंश के हों, 90-90 अंश के होते हों, वो वर्ग कहलाते हैं। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे में जहां काटते हैं बिंदुओं पर, वो प्रतिच्छेदित भी करते हैं। जब OA बराबर OC के और OB बराबर किसके होता है? OD के। और दोनों विकर्ण भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर BD के। आपसे पूछ सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दिया जाए वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़, तो परिमाप हो जाएगा 4 × भुजा। पूछा जाए वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। चलिए आयत पर चलते हैं। आयत क्या होता है? आयत वह आकृति होती है जिसमें आमने सामने भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और इनके कोण भी 90-90 अंश के होते हैं। ठीक है, आयत के दो विकर्ण जिस बिंदु पे काट रहे होते हैं, लेकिन काट रहे होते हैं, मान लेते हैं जैसे ओ पे काट रहे हैं, तो ये OA बराबर OC और OB बराबर OD ये आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन इनके विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, AC बराबर BD। आपसे पूछा जाए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई * चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 के अंदर L + B, और आयत का अगर विकर्ण निकालने को आ जाए तो √ के अंदर L² + B²। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जैसे लिखा हुआ है कि समांतर, तो समांतर का मतलब हुआ कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, और ये भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण C के, कोण B बराबर कोण D के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अगली बात में चलते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज जैसे नाम पे लिखा है कि सम माने इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं, तो ये होते हैं सम चतुर्भुज। ये चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग के कोण भी चारों 90-90 अंश के होते हैं, इसके चारों कोण 90 अंश के नहीं होते। बट सम चतुर्भुज जिस बिंदु पे काट रहा होता है, वो बिंदु पे जो काट रहा होता है, तो यहाँ पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। ये चारों कोण जो होते हैं वो 90-90 अंश के होते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा? OA बराबर OC के और OD बराबर OB के भी होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और दोनों विकर्णों का क्या होता है? गुणा होता है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जिस बिंदु पर ये OP काट रहे हैं वहाँ पे बनने वाले चारों कोणों का मान क्या होता है? 90-90 होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वहाँ पे एक थ्योरम से सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला इसका क्षेत्रफल क्या याद रखना है? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले पॉइंट में, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? नाम पे ही लिखा हुआ है, समलंब चतुर्भुज मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ये बराबर नहीं होती, और दो भुजाएं जो होती हैं वो असमांतर होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल और * ऊंचाई, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल * ऊंचाई। एक थ्योरम बनती है, जैसे इसमें इसके विकर्ण जब आपस में मिलाए जाते हैं, बिंदु O पे काट रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि जो दो त्रिभुज बने हुए हैं आपके BDOC और एक त्रिभुज मान लेते हैं AOB, ये दोनों त्रिभुज होते हैं वो समरूप हो जाते हैं। ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख हो जाता है, ये कोण इस कोण के एकांतर, और ये वाला कोण भी इस कोण के एकांतर, जिससे ये समरूप बन जाते हैं। और फिर समरूप की एक कंडीशन होती है कि जिस बिंदु पर काट होते हैं वहाँ से भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, OA/OC बराबर OB/OD बराबर और AB बटे क्या
सी डी सी, तो ये जो होता है इसका अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ से आपको ALP 2 में सवाल तो कम लेकिन वोहिकल भी टाइप के क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा है और आ भी सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट सब याद रखना है। आपको एक आकृति दे दी जाएगी, पूछ दिया जाएगा ये आयत है या समांतर चतुर्भुज कुछ भी है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तो ये चतुर्भुज का पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक्स।